सा खराब है, आज मम्मी पापा आ रहे हैं। देखो आज ही मेरा तबीयत को ख़राब होना था, पर ठीक है चलो आज ही हो गया, अच्छा है। 2 घंटे मैं फिट हो जाऊँगी, पर मुझे कुकिंग करना था, पर मम्मी है कर लेगी। वैसे भी मम्मी पापा रात को आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने काम जो है ना 2-3 दिनों से ही सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया था। शिफ्टिंग हो गया, फिर चादर वद्दर अलग से लगा दिया, ये कर दिया। बस अनिर्बान को खींच के उस रूम से इस रूम पे लाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं आ रहा है। मम्मी पापा आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका मीटिंग चलता है और मम्मी को उतना समझ में नहीं आता। मम्मी आके उसमें बात कर लेती है, तो अनिर्बान मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है कि अरे मम्मी पापा को इधर से लेके जाओ, तो मैं क्या करूँगा। ओ मम्मी ने ही आज पूरा खाना बनाया है, ये फिश का हेड है और फिश भी है, ये बोड़ी बोलते हैं हम लोग, तो ज़्यादा देखा अच्छे करके फ्राई किया है क्योंकि मुझे ऐसा बहुत पसंद है। और इसका ग्रेवी जो है ना वो बन रहा है यहाँ पे, और राइस चला दिया है, पानी डालना बाकी है, और यहाँ पे दाल जो है ना बन के रेडी है। तो बस ये हो गया है हमारा सिंपल लंच। और देखो ये बड़ा सा एक कुछ आया है, ये बैल्कनी के लिए है। मैं जल्दी बैल्कनी को ना पूरा एकदम मेकओवर देने वाली हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कर जाओ, पहले मैं इन सारे चीज़ों को देख लेती हूँ ठीक ठाक आया है कि नहीं, उसके बाद नहाने भी जाना है मुझे। काफ़ी ड्राई फ्रीजी हो चुका है, तो ये है मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल, राइस हेयर शैम्पू कंडीशनर, मुझे बहुत पसंद है। कोकोनट ऑयल है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा है, देखो एकदम प्योर कोकोनट ऑयल है। आइस वाटर इज़ अ रिवर्ड ईस्ट एशियन इंग्रेडिएंट्स जो हाई इन प्रोटीन में है, तो हेयर रूट को मजबूत करता है। और वाई मामार्थ, क्योंकि मामार्थ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं होता है और ये फुल्ली नेचुरल है। अगर आपका भी सेम प्रॉब्लम है, जैसे मेरा स्कल्प जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ऑयली स्कल्प जिन लोगों का होता है वो लोग सोचते हैं कि हमें तो चंपी नहीं करना है, ऑयल नहीं लगाना है, पर ऑयल आपको लगाना है ताकि ऑयल की जो सारे बेनिफिट्स है वो आपके जड़ों में जाए और हेयर बहुत ही स्ट्रांग बने, शाइनी बने मेरे जैसे। जैसे मेरा हेयर जो है ना, मेरा स्कल्प बहुत ऑयली रहता है, इसीलिए मैं रात भर अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं शैम्पू करने से 1 घंटा या आधा घंटा ही ऑयल को अप्लाई करती हूँ ताकि उसका सारे बेनिफिट मेरे सर के अंदर जड़ों में आ जाए। हेयर ऑयल लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे शैम्पू, और उसके बाद शैम्पू को धोने के बाद हम कंडीशनर यूज़ करेंगे। कंडीशनर को भी हम 5 मिनट रख के उसको भी वॉश कर लेंगे। मम्मा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू एंड कंडीशनर पे फर्मेंटेड राइस वाटर रहता है, केराटिन एंड व्हीट प्रोटीन भी रहता है, जो हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और इलास्टिसिटी को ऐड करता है, साथ ही साथ वॉल्यूम इंक्रीज करके हेल्दियर अपीयरेंस देता है और फ्यूचर डैमेज से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लान। मम्मा अर्थ ने उनका एक ऑफिशियल ऐप को लॉन्च किया है, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मम्मा अर्थ की ये राइस वाटर शैम्पू कंडीशनर और हेयर ऑयल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इनकेस यू वॉन्ट यू कैन चेक इट आउट। तो अभी शाम के बज रहे 7:20 और मम्मी पापा जो है ना वो फ्लाइट में चढ़ चुके हैं, है ना। फोन नॉट रीचेबल हो चुका है, फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गया है। पापा एवरी डे कैब बुक करते हैं ऑफिस जाने के लिए, पर आज पता नहीं क्या हो गया था, आज एक नया ऑप्शन आ रहा था ओला की साइड से, बस हो गया। ये ओला ऊबर इन लोगों को मतलब कांस्टेंट रखना चाहिए, कुछ भी नया मम्मी पापा के लिए एक मतलब उन लोगों के लिए बनाना चाहिए कुछ लर्निंग काइंड ऑफ। नहीं उससे भी नहीं होगा, मतलब एक ही चीज रहना चाहिए, उसका बटन भी अगर इधर से इधर हो गया तो प्रॉब्लम सेम टू सेम ऐसा ही बना रहेगा, नो अपडेट। तो और इधर पे मैं रात की सब्जी बना रही हूँ, मम्मी ने आटा गूंथ के रख दिया है। हाँ आज मम्मी ने बचा दिया, मेरा तबीयत इतना ख़राब है ना, आज ही ख़राब होना था, तो क्या कर सकते हैं, तबीयत का तो अता पता नहीं रहता ना कुछ। तो ये देखो ये है बेसन की एक्चुअली पकौड़ा बना रही हूँ मैं, इसमें अदरक लहसुन हल्दी नमक और हरी मिर्च है, ये पकोड़े बना रही हूँ मैं। एक्चुअली बनाऊँगी ये रॉ पपाया की सब्ज़ी आलू डाल के, और इसमें काला चना बोलते हैं ना हम लोग बंगाल में, बोलते हैं छोला, तो वो अलग से बॉयल करना पड़ता है, एक्चुअली नहीं करना पड़ता है, पपाया और आलू के साथ भी बॉयल हो जाता है, पर क्या होता है कि पापा खा नहीं पाएंगे, दांत का इशू, तो इसीलिए बॉयल करके रखा है।
काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, पता नहीं कितना लगेगा, तो मैं पूरा पपाया का ही बना लूँगी। सर आते की हो चाहिए रात को क्या हो रहा है? ये उठा दे मेरे को। कब से बोला है कि आज हिंदी ब्लॉग है? मैं तो बोल दिया था कि दीवार में हर जगह पे लिख दो आज हिंदी डे है, आज बंगाली डे है। तो ये रोटी बन रहा है जो नहीं फूल रहा है। और यहाँ पे मैं साइड बाय साइड सब्जी बना ली, सबको पता है। और ये वाला है सब्जी? हाँ, उसमें सब्जी नहीं है, ये क्या मसाला है? मसाला है। अच्छा, एक्चुअली मेरा जो तबीयत है ना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, देखो मुझे देख के पता चल रहा है, पर मैं अभी क्या करूँ, मेरा तबीयत ऐसा ही है, जब भी मुझे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है उसी टाइम पे खराब हो जाता है, उसी टाइम पे ये खराब हो जाता है। मैं क्या करूँगी बताओ, माफी कौन पे माफी करो मैं दाढ़ी आछे नहीं सब तो छोड़ा तो दो घंटा लगता है फ्लाइट में, तो मम्मी पापा एक घंटे बाद 9:05 पे लैंड करेंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ना जाके उधर वेट नहीं कर सकते, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 9:45 निकलेंगे। मम्मी सीरियल देख रही है तो उसी का आवाज़ आ सकता है। सो मेरा तबीयत अभी थोड़ा थोड़ा बेटर है, थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है। सब कुछ उधर से इधर लेके आ रहा है। तो हमने सोचा था कि 9:05 को मम्मी पापा लैंड कर लेंगे, उसके बाद उन लोगों को टाइम लगेगा लगेज लेने, और हम तो अभी देख रहे हैं कि एक घंटा लगेगा, तो हम लोग फटाफट निकलते हैं, जैम है शायद रास्ते पे। चलो पहुंच गया है, और मम्मी पापा के फोन में रिंग हो रहा है, मतलब वो लोग उतर गए हैं पर फोन नहीं उठा रहे तो कैसे पता नहीं चल रहा है ना कहाँ पे, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट पे ना पिकअप अराइवल दोनों अलग अलग जगह पे है, और एक जैसे ही दिखने में आता है तो मुश्किल हो जाता है। भाई फोन भी तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे होगी? और हम लोगों को अभी दिखा रहा है 10 मिनट में हम लोग चले जाएंगे, और हम लोग गाड़ी भी नहीं रोक सकते इधर पे, नहीं तो क्या कि हमें पार्किंग में जाना पड़ेगा, तो एयरपोर्ट का बड़ा सा पार्किंग होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि नहीं पा रहेंगे, नहीं वो लोग आ नहीं पाएंगे। हाँ, वो प्रॉब्लम। मुझे ना डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मम्मी पापा कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब 5 दिन से बात हो रही है कि कहाँ पे आना है, कहाँ कहाँ कॉल करना है, पर कॉल ही नहीं करते हैं, आके खड़े हैं पर कहाँ खड़े हैं वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। अभी अनिर्वाण बहुत गुस्से में एकदम लाल हो गया है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप इधर नहीं रुक सकते हो, पुलिस आके चालान काटेगा, और यही रूल्स है ना, क्यों इस रोड पे नहीं रुक सकते, ऐसे ही रूल्स है, तो ये तो मम्मी पापा नहीं समझेंगे। ओह गॉड, हाँ नो पार्किंग, एखे मैं एखे विराट लेवल चालान काटे। तो हम लोग एक्चुअली कार खरीदे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, बट मम्मी पापा सब अभी आए हैं, इसके बाद कोरोना के लिए बिल्कुल भी मतलब नहीं आए थे, और हम लोग भी गाड़ी लेके नहीं गए थे, तो इसलिए मम्मी पापा का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस बार का ही। चलो चला जो, तबीयत एकदम मेरा साथ नहीं दिया, इतना पेट दर्द हो रहा है ना मेरा, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कहीं पे भी सो सकती हूँ, चाहे वो ज़मीन की उड़ा हो मैं उधर ही सो जाऊँगी, मेरा मतलब मैं पुश कर रही हूँ खुद को, नहीं अभी भी ये करना है वो बाकी है ये वो करती हूँ। तो गाइस मम्मी पापा आ गए हैं, 2 साल बाद आए हैं,
फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल से नए एनर्जी के साथ नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।